नमस्कार, मैं देवांजलि मोइत्रा। शाहिद अफरीदी आजकल विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे। वो जब भी मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से भारत के खिलाफ जहर ही निकलता है। कभी कश्मीर तो कभी मोदी पर निशाना साधने वाले अफरीदी ने इस बार सचिन को निशाने पर लिया और कहा कि सचिन ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन वो शोएब अख्तर से डरते थे। अफरीदी ने अपनी किताब में कहा था, सचिन शोएब से डरते थे, मैंने खुद देखा है। मैं स्क्वायर लेग पर खड़ा होता था, जब अख्तर गेंदबाजी करने आते थे तो सचिन के पांव कांपते थे। वहीं अब एक यूट्यूब चैनल पर अफरीदी ने कहा, देखिए सचिन तेंदुलकर अपने मुंह से तो कहेगा नहीं कि मैं डर रहा हूं। शोएब अख्तर के ऐसे कई स्पेल होते थे जिसमें सिर्फ सचिन ही नहीं दुनिया के कई सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को डराया। जब आप मिड ऑफ या कवर्स पर फील्डिंग करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। आपको किसी खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता चल जाता है। आप आसानी से समझ जाते हैं कि बल्लेबाज दबाव में है और वो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शोएब ने सचिन को डरा दिया, लेकिन शोएब के ऐसे कुछ स्पेल थे जिन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों, जिनमें सचिन भी शामिल है, उनको बैकफुट पर रखा। यही नहीं, अफरीदी ने आगे कहा, वर्ल्ड कप के दौरान सचिन सईद अजमल से डरते हुए नजर आए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खिलाड़ी कई बार दबाव महसूस करते हैं और ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वैसे शाहिद अफरीदी की बात पर कौन विश्वास करेगा, ये तो अफरीदी ही जानते होंगे। अभी हाल ही में उन्होंने ये कहकर अपनी खिल्ली उड़वाई थी कि भारतीय टीम पाकिस्तान से हारने के बाद माफी मांगती थी।